हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनबो। आपके गार्डन में पूरे साल हिबिस्कस फ्लावर कैसे खिल सकते हैं, इस पर मेरा वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि अधूरी जानकारी से आपके प्लांट में कोई हानि ना हो। और ये मॉनसून टाइम में कटिंग लगाने के लिए बेस्ट है, तो आप हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगा सकते हैं। आसानी से कैसे कटिंग लगाएं, इस पर मेरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। कोई भी फूलों वाले या फलों वाले पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस को 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। और हमारे किसी भी प्लांट के साइज़ और पॉट के साइज़ के हिसाब से ही प्लांट में फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए। पॉट छोटा हो तो थोड़ा सा ही फर्टिलाइज़र चाहिए। और हम आज बनाना पील से फर्टिलाइज़र बनाना सीखेंगे। 1 लीटर पानी में 3 से 4 बनाना पील को हम डालने वाले हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और फिर इनको पानी में डिप करके रखेंगे 3 डेज के लिए, और इसके बाद ही हमारा फर्टिलाइज़र रेडी होगा। बहुत इजी है बनाना, लेकिन बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये 3 दिन बाद इसमें से हमने पील निकाल लिया है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को हम 1 लीटर फर्टिलाइज़र हो तो हमें 4 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है, और किसी छलनी या कपड़े से छान लेना है। और इसके बाद हमें पॉट की मिट्टी चेक करके ही प्लांट में फर्टिलाइज़र देना है। छोटा पॉट हो तो 100 ml, और अगर बड़ा पॉट हो तो 200 ml दे सकते हैं। लेकिन हमें ये फर्टिलाइज़र इवनिंग में ही डालें, और फर्टिलाइज़र देने के बाद जब तक पॉट की मिट्टी ड्राई ना हो तब तक प्लांट में पानी ना डालें। इससे फ्लावर सारे साल भर ही आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ भी चाहिए। और ये फर्टिलाइज़र आप अपने सारे ही प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट में कभी भी ना दें। आप अपने किचन गार्डन में भी दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र से बहुत सारे फूल फल आप पा सकेंगे। और ये देखिए मेरा प्लांट, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा है। इसमें मैं बनाना पील देती हूँ। लेकिन हमें बहुत छोटा प्लांट हो तो इसमें कभी भी पोटेशियम फर्टिलाइज़र ना दे। और हाइब्रिड हिबिस्कस केयर के ऊपर मेरा वीडियो है, ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।